तो यारों कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। मोटरवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है, टाटा ने हाल ही में इसको लॉन्च किया और काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रही है टाटा इसके साथ। डिस्पाइट कि इसमें आपको एडिशनल रेंज काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, उसके बावजूद भी टाटा ने इसके प्राइस को ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कर रही है टाटा इसके साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं इसके मैक्स फीचर्स के बारे में। इसका आपको मैक्स रेंज मिलती है, मैक्स सेफ्टी मिलती है, मैक्स परफॉर्मेंस मिलती है और मैक्स लग्जरी भी मिलती है। तो सबसे पहले बात करें हम इसके बैटरी पैकअप की, तो वो आपको 30% लार्जर बैटरी पैक मिल रहा है नॉर्मल से, जो कि है 40 kWh का, जो 10 kWh है लास्ट ईयर वाले से ज़्यादा है। 250 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है, 153 Hp की आपको इसमें मोटर मिल जाती है। 0 to 100 ये सिर्फ 9 सेकेंड से कम में कवर कर लेती है। इसमें आपको ESP विद IV पैक मिल जाता है, हिल डोर कंट्रोल मिल जाता है और वहीं आगे बात करें तो हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। ये फीचर्स काफ़ी, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिल जाता है। ये काफ़ी लग्जरी फीचर्स है जो आपको इस प्राइस रेंज में कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। IP67 की आपको इसमें रेटिंग मिल जाती है, जिससे कि मतलब अगर आप इसको पानी वगैरह में कहीं पर भी लेके जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट का कोई आपको टेंशन नहीं है। 8 साल की या फिर 1,60,000 किलोमीटर की टाटा बैटरी और मोटर पर आपको वारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ बात करें इसके इंटीरियर की, तो इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं और ये ज्वेल्ड कंट्रोल नॉब मिल जाता है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको अंदर इसमें डिस्प्ले भी मिल जाती है, एयर प्योरीफायर मिलता है, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिलता है, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाते हैं। आप इसे अपनी स्मार्ट वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल में भी इसमें आपको टाटा ने दिया है। बात करें इसके मेन प्लस पॉइंट की, तो इसमें आपको 437 किलोमीटर की RI क्लेम्ड रेंज मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और उसके लिए आपको ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ रहा है। मल्टी मोड रीजन्स इसमें आपको मिल जाते हैं। अगर आप इसे DC चार्जर से चार्ज करते हैं ना, तो ये 0 to 80 56 मिनट्स में ही चार्ज हो जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इसके साथ आपको ना दो चार्जर ऑप्शन मिलते हैं, 3.3 kWh का और 7.2 kWh का आपको दो चार्जर ऑप्शन मिलते हैं। 7.2 वाले के लिए आपको 50 to 60,000 rupees एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि वर्थ इट है। वो आपकी गाड़ी को 6 to 7 hours में चार्ज कर देगा। वहीं जो 3.3 kWh का, वो 15 to 16 hours आपको लेता गाड़ी को फुल चार्ज करने में। इसी के साथ साथ आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। अगर आपको लगता है यही बहुत है तो रुकते जाइए। इसी के साथ टाटा आपको इसके साथ और भी बहुत कुछ ऑफर करता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, 2 airbags फ्रंट में। इसी के साथ साथ टाटा आपको इसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी ऑफर करता है। अगर आपको याद होगा तो इसमें इल्यूमिनेटेड गियर नॉब है ना, उसके आप टर्न करके आप मोड्स को चेंज कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। इसी के साथ साथ टाटा इसके साथ आपको स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटेंसिटी पेंट शेड भी ऑप्शन कर रहे हैं सिग्नेचर स्टाइल में। अगर हम बात करें तो इसके जो आपको टॉप वेरिएंट मिलता है XZ प्लस लग्जरी वेरिएंट, उसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाता है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा लग्जरी टाइप इंटीरियर मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। लेदर सीट्स हैं, रियर AC वेंट भी आपको इसमें ऑफर किया गया है। सीट्स को अगर आप देखेंगे तो कितनी अच्छी लग रही है, लेदर सीट है विद वेंटिलेशन, तो इसमें आपको गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये मेरे को जो कंट्रोल नॉब दिया है ना टाटा ने, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इसी के साथ आपको इसमें हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके टायर्स की, तो वो आपको 16 इंच के R16 डायमंड कट अलॉय टायर्स मिलते हैं। बॉडी कलर की बात करें तो इसमें आपको 3 मिलते हैं, डेटोना ग्रे, प्रिस्टीन वाइट और आपको एक्सक्लूसिव पेंट मिलता है इंटेसियाई टील पेंट शेड। इसी के साथ साथ टाटा इसके साथ आपको Z Connect 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, जिसके साथ आपको 48 न्यू फीचर्स मिलते हैं। इसी के साथ टाटा ने इसमें आपको मल्टी मोड रीजन भी दिया है, जो 4 लेवल ऑफ ब्रेकिंग वो आपको प्रोवाइड करता है। इसमें अगर आप इसको 3rd level पे लेके जाते हैं ना, तो आप अगर अपना पैडल पे से पैर हटा दें और गाड़ी तब भी ब्रेक मारेगी, तो उससे जो कनेक्टेड एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो जाके कार की बैटरी में स्टोर हो जाएगी, जिससे कि आपकी जो रेंज है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए टाटा ने इसकी पावर में कुछ कमी छोड़ी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉप स्पीड इसकी आपको 140 किलोमीटर की मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको ऑटो ब्रेक लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके चार्जर की, तो इसमें आपको 7.2 kWh का AC फास्ट चार्जर मिल जाता है। उसी के साथ साथ 3.3 kWh का भी आपको इसमें AC फास्ट चार्जर मिल जाता है। रेगुलर चार्जिंग में ये आपको 6.5 आवर्स में आपकी गाड़ी पूरी चार्ज कर देगा। ये 6.5 आवर्स का ना, ये आपको 7.2 kWh का प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं, जो DC फास्ट चार्जर आते हैं, उसमें आपकी गाड़ी को 0 to 80 56 मिनट्स में ही चार्ज कर देंगे, जो कि काफ़ी सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपको सेम 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि
बैटरी बैकअप जो है इसका वो इंक्रीज़ हुआ है, फिर भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ आप इसके एग्जेड प्लस और एग्जेड प्लस लग्जरी वेरिएंट की फीचर्स को वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसमें आपको जो बेस वेरिएंट मिलता है वो है नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस, जिसकी वैल्यू है 17.74 लाख जो है 3.3 किलोवाट आवर चार्जर की। वहीं अगर आपको 7.2 किलोवाट आवर वाला लेना है तो उसके लिए आपको 18.24 लाख पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस लग्जरी वेरिएंट की ना, तो उसका जो 3.3 किलोवाट आवर वाला चार्जर वाला मॉडल है उसके लिए आपको 18.74 लाख पे करना पड़ेगा। वहीं 17.2 किलोवाट के लिए आपको 19.24 लाख पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है टोटली वर्थ इट है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि आपको अच्छी खासी इसमें रेंज मिल रही है। भर भर के टाटा ने इसमें आपको फीचर्स दे दिए हैं, IP6 की आपको इसमें रेटिंग मिल जाती है, अच्छी खासी आपको इसमें सेफ्टी मिल जाती है, मतलब आपको इसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप प्लान कर रहे थे नेक्सॉन ईवी खरीदना को तो थोड़े दिन रुक जाइए और अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा के इसको नेक्सॉन ईवी मैक्स को परचेज कर ली, क्योंकि ये उससे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है। वहीं अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें ना नेक्सॉन ईवी के टॉप वेरिएंट और नेक्सॉन ईवी मैक्स के टॉप वेरिएंट में, तो वो आपको सिर्फ 154 या 153 लाख का ही मिलता है, जिसमें आपको ज़्यादा किलोमीटर की रेंज मिल रही है, कई ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। तो आप टोटली इसको कंसीडर कीजिए, ना कि रेगुलर नेक्सॉन ईवी को, थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाइए और उसके साथ आपको टोटली वर्थ इट पैकेज जिसके साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं या फिर अगर आप इसका नॉर्मल भी नेक्सॉन ईवी मैक्स एग्जेड प्लस भी लेते हैं तो भी आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, और आपको ये कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे गाड़ी की रेंज खत्म हो गई, मुझे टो करानी पड़ेगी, चार्जर नहीं मिला तो, क्योंकि आप इतनी रेंज के साथ आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा। तो यारो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।